अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयो प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न च एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए जे जितना हमारा अर्थबल है, लोग बल है, जितना अर्थबल है, लोग बल है, तमाम एजुकेशनल पावर है, जितना तमाम हमारा फिनेंशियल पावर है, एजुकेशनल पावर है, लोग बल है, तमाम चीजों को बाजी लगा दे फिर भी अप्राकृत तत्व भगवत तत्व जानना संभव नहीं। श्रील गौरी गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत गोपा परमंश जगत गुरु जी ने बताए हमारा जितना अर्थ बल है, लोग बल है, शिक्षा बल है, सब कुछ एकत्रित करके अगर बाजी लगा दो फिर भी अप्राकृत तत्व भगवत तत्व जानना संभव नहीं है। इसीलिए उपनिषद में बताया गया यतो वाचो निवर्तते अप्राप्पो मनसा सहो, यतो वाचो निवर्तते अप्राप्पो मनसा सहो। हमारा जितना क्षमता है सारे लगा दो बाजी, लेकिन अल्टीमेटली सारे हमारा जो एफर्ट है फ्यूटाइल एफर्ट सारे वापस आ जाएगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि चैतन्य चैतन्य देव बताया गया अप्राकृत तत्व कहु प्राकृत गोचर न है, अप्राकृत तत्व प्राकृत गोचर नहीं है। भगवत तत्व बड़ा गंभीर तत्व है। भगवत तत्व मतलब ये नहीं है जो भागवत जी महापुराण में बताया गया बदंती तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम अध्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। भागवत जी महापुराण में बताया गया ये अद्वैत ज्ञान तत्व का जो हमने विचार बताया भागवत जी महापुराण से, ये अद्वैत ज्ञान तत्व, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ड्यूअल कंसेप्शन, द्वैत भावना नहीं है, अवधा ज्ञान तत्व। लेकिन फिर भी अवधा ज्ञान तत्व है ठीक है, लेकिन भागवत जी महापुराण में बताया गया बदंती तत्त्वविदं तत्त्वं यद् ज्ञानम अध्ययम्, इसको ही अवधा ज्ञान बताया जाता है जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। लेकिन मायावादी विचार में अद्वैत ज्ञान तत्वों में, अद्वैत ज्ञान तत्वों में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई तत्व को स्वीकार कर ले तो उसका हानि हो जाता। एज पर देयर कंसेप्शन इफ वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट एनी सेकेंड तत्व लाइक माया तत्व और कुछ तो हमारा गड़बड़ी है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। इस बारे में कल हम चर्चा करेंगे, आज इस विषय का चर्चा का विषय है नहीं। आज वैष्णवानम यथा शंभु शंकर भगवान का स्ट्रेंज कैरेक्टर अद्भुत विचार, शंकर भगवान का ऐसा अद्भुत कैरेक्टर है जो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वैष्णव छोड़ के, दुनिया में वैष्णव छोड़ के ऐसा कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो वैष्णवानम यथा शंभु शंकर को सही ढंग से पहचान पाए। शंकर भगवान का जो सेवा का मूड है, जो परमहंस है, ये बड़ा समझना बड़ा कठिन है। इस विषय के ऊपर आज चर्चा करने का ठाकुर जी का इच्छा से, ठाकुर जी का कृपा से इच्छा हुई। अद्वैत ज्ञान तत्व
मायावादीगण का विचार के द्वारा अद्वैगन तत्व का मतलब है जो एक ब्रह्म छोड़कर दूसरा कोई तत्व है नहीं। यहां तक कि ब्रह्म का कोई शक्ति है कि नहीं, ब्रह्मों का कोई शक्ति है नहीं, ब्रह्मों का शक्ति नहीं है, बोला नहीं शक्ति नहीं है, ब्रह्मों का कोई शक्ति नहीं है। मायावादी को अगर पूछे जब महाराज जिस ब्रह्मों का कोई स्वतंत्रता नहीं है, जिस ब्रह्मों का कोई शक्ति नहीं है, जिस ब्रह्मों को आप एक जड़ पदार्थों का रूप में रिप्रेजेंट करना चाहो, इस ब्रह्मों का कोई उल्लू का पट्टा है कि जो इसको भजन करे, कोई उल्लू का पट्टा है? जिस ब्रह्मों को आप मानते हो शक्ति नहीं है, जब ब्रह्मों का कोई शक्ति है नहीं, क्यों? वो लोग बोले शक्ति माने तो ड्यूअल कंसेप्शन आ जाएगा, शक्ति मानना नहीं, एक ब्रह्म ही वो ना पर रहा, एक ब्रह्म छोड़कर दूसरा कोई तत्व है नहीं। इस विषय में हम काल खुला चर्चा करने की इच्छा है और हमारा गौड़ीय विचार के द्वारा, गोस्वामी लोगों का विचार, गौड़ीय विचार का अनुसार, चैतन्य महाप्रभु का विचार का अनुसार अगर आप देखो, इसमें देखोगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। मतलब है एक ब्रह्म का अंदर में अनंत वैचित्र भरपूर है, समझने का कोशिश करो। एक ब्रह्म जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया, एक ब्रह्म तत्व जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया, ब्रह्म संहिता इज द मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारा आदि गुरु है। वो ब्रह्मा जी ने भगवान को संतुष्ट करके जो जाना, पहचान पाया, जो समझा है, वो चतुश्लोकी भागवत में याद है ना, है ज्ञानम परमं गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं स रहस्यं तदंगं च ज्ञान उदितं मया जवान हम यथा भाव यद रूप गुणं कर्म कहा तथैव तत्त्व विज्ञान वस्तुते मदनुग्रहा अहमेवासु मेवाद्रिन्नज्ज सत्परम पश्चात हम जदेत जो अवशिष्योस्म्यहम रीते अर्थम जत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्वादात्मानमयम यथावस यथाकमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचिषु न प्रविष्टा न उपविष्टानि न तथा न तथा तेषु न तेषु हम एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्तनः अन्नैवातिरिकाभ्यं च सत् सर्वतो सर्व। ब्रह्मा जी ने खुद देखा है, देख के ये चतुश्लोकी भागवत, जो चतुश्लोकी भागवत मूल है, वो चतुश्लोकी भागवत नारद जी को उपदेश किए। और ब्रह्म संहिता का जो रचना है, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जी ने बताए, ये ब्रह्म संहिता इज द मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर। ब्रह्म संहिता से बढ़कर इतना ऑथेंटिक स्क्रिप्चर नहीं है। महाप्रभु जी का विचार है कृष्ण कर्णामृतो और ब्रह्म संहिता इज द मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर, और इतना एविडेंस है उसमें, डायरेक्ट एविडेंस, ब्रह्मा जी ने जो देखा है वही बोला। और ये जो ब्रह्म संहिता है चतुश्लोकी भागवत डायरेक्ट रियलाइजेशन है, भगवान ने डायरेक्ट सिखाया चतुश्लोकी भागवत। जवान हम जैसा है, हमारा जैसा क्रियाकर्म है, हमारा जैसा सिक्रेसी है, हमारा जैसा स्वरूप है, हमारा भाव है, ऑल यू कैन नो बाई ओनली बाई माई कृपा, बाई योर पर्सनल एफर्ट यू कैन नॉट नो। भगवान ने बोला जे मेरा कृपा के द्वारा तुम जान सकोगे, अपना कोशिश के द्वारा तुम जान नहीं सकोगे। ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण
चतुश्लोक के रूप में दिव्योज्ञान का उपदेश किया। और ये दिव्योज्ञान उपदेश गुरु परंपरा के अनुसार हमारा पास पहुंच रहा है, दैट इज अ यूटिलिटी ऑफ गुरु परंपरा। गुरु परंपरा कौन मानने के लिए तैयार है? अगर गुरु परंपरा के द्वारा हमारा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा हम तक इंटैक्ट विदाउट एनी कंटामिनेशन हम तक नहीं पहुंचता है तो ऐसा गुरु परंपरा को माने मान्यता है क्या? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ गुरु परंपरा? गुरु परंपरा का यही सार्थक है, यही सबसे बड़ा यूटिलिटी है, जो एक ही शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है, वो चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ शिक्षा हमारा गुरु परंपरा के अनुपर हमारा सर्व गोस्वामी और भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद विश्वनाथ सारे के परम पूज्य केशव गोस्वामी बामन गोस्वामी महाराज अप टू दैट पॉइंट वी कैन गेट परफेक्टली, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ गुरु परंपरा। नहीं तो गुरु परंपरा मानने का कोई दरकार ही नहीं, ये तो बेकार है, फालतू। जो जो मनमानी इच्छा वो बोलना शुरू कर देगा सिद्धांत, हमारा तो हिम्मत नहीं है। जो जो गुरु परंपरा के अनुसार जो शिक्षा है, एक शब्द हमारा जबन से ऐसा निकालना संभव नहीं है जो गुरु परंपरा के अनुसार मेरा पास नहीं आया होगा। फॉलो माय पॉइंट व्हाट इज इट? तो अद्वैत ज्ञान तत्वों का बारे में जो विचार है हमारा गौरीय विचार के अनुसार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। अचिंत वेदावेद तत्वों के बारे में कल हम चर्चा करेंगे, वेदांत सूत्र का कुछ दो या चार श्लोक इच्छा। अब विचार करके देखना, ब्रह्म संहिता का अंदर लिखा हुआ है, जग ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भज। जग ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, ये ब्रह्म को निष्कलम को स्टेनलेस, ब्रह्म का अंदर में कोई दोष पकड़ना संभव नहीं है। ब्रह्म का अंदर में यू कैन नॉट डिटेक्ट एनी मिस्टेक एनी फॉल्ट। ब्रह्म ऐसा एक चीज है जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया, जग ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। निष्कल माने निष्कलंक, स्टेनलेस। जग ब्रह्म निष्कलम अनंतम अनंत अशेष भूतम, समस्त भूतों का जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, इन्फिनिटी ब्रह्मांड, इन्फिनिटी ब्रह्मांड, ऑल रूट कॉज ब्रह्म है। आई बात समझ में? इन्फिनिटी ब्रह्मांडों का जो प्रकाश है, इन्फिनिटी अनगिनत, इन्फिनिटी ब्रह्मांडों का ओरिजिनल रीजन इज ब्रह्म। अगर ओरिजिनल ब्रह्म जो हमारा जो ब्रह्म है, ब्रह्म यदि अगर ओरिजिनल रीजन हो अनंत ब्रह्मांडों का, तो ये ब्रह्म तत्व को कैसे हम निशक्तिक बोला जाए? जिस ब्रह्मो से अनंत ब्रह्मांड का प्रकाश है, हाउ इज दैट पॉसिबल दैट ब्रह्मो इज न्यूट्रल जेंडर? मायावादी तो एक चर्चा भी कर नहीं सकेगा। मायावादी को पूछो तुम्हारा ब्रह्मो का क्या, तुम्हारा ब्रह्मो का क्या है? तुम तो ब्रह्मो को न्यूट्रल जेंडर कर दिया, मास्कुलिन जेंडर नहीं है, फेमिनिन जेंडर नहीं है, कोई काम का ही है नहीं, जो मैटर है पूरा निकम्मा है, ये ब्रह्म का तुम उपासना कर रहे हो। तुमसे बढ़कर उल्लू का पट्ठा कोई नहीं हो सकता। कोई तो मकसद होगा, व्हाई आई एम डूइंग भजन। हम अगर भजन कर रहा है तो मैं ऐसा पागल हूं कि बिना सोचे समझे घर से आ गया थोड़ा बहुत रुपया पैसा प्रतिष्ठा के लिए? इतना सस्ता चीज है जो टट्टी प्रसाद का बराबर है गुरु वैष्णव के सामने, बस इतना ही हम आया? कोई तैयार करके नहीं आया, घर से क्यों आया? मायावादी को पूछो क्यों आया तू? जो भी है, अब ब्रह्म संहिता में ऐसा प्रमाण है, बहुत सारे काल चर्चा करेंगे भगवान अगर कृपा करे तो।
अब मेरा प्रश्न आता है, भगवत तत्व बोल के व्हाट इज योर एग्जैक्ट कंसेप्शन अबाउट भगवत तत्व? हर आदमी को पूछो भगवत तत्व के बारे में व्हाट इज योर क्लियर कंसेप्शन, क्या समझते हो? आदमी बोलेगा महाराज भगवान है। अच्छा ठीक है, भगवान है तो भगवान भगवान का साथ और कुछ नहीं है? भगवान का साथ कुछ है ना कि भगवान है? भगवान का साथ देखो भगवत तत्व, भगवान का साथ भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का परिकार, भगवान का वैशिष्ट्य, भगवान का लीला, अल ऑल टुगेदर, ऑल पैराफर्नालिया, ऑल टुगेदर इज कॉल्ड भगवत तत्व। हाँ मगर राम जी को पूजा करे, भरत जी को गाली दे तो पागल बनती है, ये तो पागल बनती है। हम अगर भगवान श्री कृष्ण पूजा करे, आप पूजा करने का साथ साथ हम क्या करे, राजा राधा राधा जी और गोपियों जो जो सब तत्व है, भगवत तत्व वैष्णव तत्व है सब, उसको हम काट के फेंक दिया तो क्या भगवत तत्व होगा? ये भगवत तत्व का डेफिनेशन क्या है? भगवत तत्व डेफिनेशन है ऑल टुगेदर, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का परिकर, भगवान का वैशिष्ट्य, लीला, जो कुछ भी है सारे ऑल टुगेदर इज कॉल्ड भागवत तत्व। लेकिन मायावादी किसको भागवत तत्व बोले? वो लोगों का पास तो भागवत तत्व का कोई कीमत ही नहीं है कि भागवत तत्व बोलने से भक्त भागवत ग्रंथ भागवत दोनों आएगा, भक्त भागवत ग्रंथ भागवत दो, और ग्रंथ भागवत का एसेंस, ग्रंथ भागवत का जो एसेंस है, ग्रंथ भागवत का जो अनुभव है, ये भक्त भागवत छोड़ के कोई नहीं कर सकता, कोई पंडित नहीं कर सकता। कोई अगर मुखस्त कर लिया, संस्कृत पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, भागवत का रिसाइजन, बट स्टिल देयर कैन नॉट बी एनी रियलाइजेशन इन देयर हार्ट। ये लोगों का हृदय में अनुभव होना संभव नहीं। जितना भी भजन करो, जितना भी शास्त्र मुखस्थ कर लो, विदाउट रियलाइजेशन पावर कोई वैल्यू नहीं है। विदाउट रियलाइजेशन पावर उसका कोई कीमत नहीं, एक फूंती कोरी कोई कीमत नहीं है। क्यों बामन मुसी महाराज जी का इतना कीमत देते हैं? एक ही पागल बनती है। क्यों बामन मुसी महाराज को इतना कीमत देते हैं? वेरस आदर सब कुछ को उतना कीमत नहीं दे सकते। क्यों कारण है? ये भाग ये ग्रंथ भागवत को अनुभव में ला सकता है, इसलिए संभव है। अब इस चर्चा को मैंने उठाया इसीलिए ताकि हम संकर तत्वों का बारे में कुछ रोशनी डाल सके, इच्छा करके मैं उठाया। पहले बताया भागवत तत्व, सबसे पहले बताया अथा पिते पदाम्बुज द्वयो अथा पिते देव पदाम्बुज द्वयो प्रसाद लेस अनुग्रहित एवहि जनाति तत्त्वं भगवत महिमनो न च एको अन्य चिरं विचिन्मन। अकेला बाय योर पर्सनल एफर्ट, अकेला कितना भी कोशिश कर लो, जन्म जन्म अनंत कटि जन्म, लेकिन भगवत तत्व समझ में नहीं आए, अनुभव में नहीं आए। भगवान का कृपा लेश बूंद, एक बूंद कृपा, एक बूंद भगवान का कृपा, एक बूंद भगवान का कृपा, भक्तों का चरणार बिंद से मेरा सर पे टपक के पड़ा, बस हो गया तत्व। भगवत तत्व ऐसा है, भगवान का कृपा डायरेक्टली हम तो कभी नहीं आ पाए। भगवान का कृपा हम छलन लगा के भगवान का कृपा ले लें, नॉट दैट। भगवान का कृपा भक्तों का माध्यम आता है। जानाति तत्त्वं भगवान महिमनो न च एको अपि चिरं विचिन्मन। चिरं माने इन्फिनिटी काल, यू कैन ट्राई बट स्टिल यू कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल। लेकिन आपका कृपा किसी का सर पे टपक पड़े विया गुरु वैष्णव, यहां लिखा नहीं है लेकिन ये सिद्धांत है। भगवान का कृपा भक्तों का माध्यम,
भगवत कृपा भक्तों का माध्यम हम तक आ पहुंचेगा। प्रभुपाद जी यहां तक भी कहा है, अगर आपने किसी महाभागवत का कृपा प्राप्त किया होगा, प्रभुपाद जी ने यहां तक कहा, इफ आई एम एंजॉइंग द फुल कृपा गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज, इफ आई एम एंजॉइंग द फुल कृपा प्रभुपाद, और इफ आई एम एंजॉइंग द फुल कृपा भक्तिमोद पुर श्री महाराज और सीधा भक्ति प्रोग्राम के शुभ से प्रभुपाद बोला बी श्योर दैट यू आर एंजॉइंग फुल कृपा भगवान। अगर आप कई परमांश गुरु वैष्णव का कृपा प्राप्त किया है तो यूं समझ लो कि आप भगवान का कृपा प्राप्त कर लिया। प्रभुपाद जी ने यहां तक कहा। अब शंकर भगवान का विषय में भागवत जी महापुराण में, भागवत जी महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है, भागवत जी महापुराण में निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा संभु पुराणानाम तू इदम भागवतम, ये श्लोक को याद रखना। शंकर भगवान का बारे में कोई उठपटान, कोई विचार बनाने जाओ उसका पहले इस श्लोक को याद करना। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा संभु और पुराणानाम तू इदम भागवतम, इदम पॉइंट आउट किया। निम्न गाना मतलब गंगा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है क्योंकि गंगा साक्षात भगवान का चरण कमल से निकली हुई है, भगवान का चरण कमल से निकली हुई है गंगा, इसलिए गंगा श्रेष्ठ है। जमुना का बारे में कोई क्वेश्चन, देयर कैन नॉट बी एनी क्वेश्चन अबाउट जमुना क्योंकि जमुना है ये घर का मामला, कृष्ण का घर का मामला, जमुना तो वृंदावन जी, जमुना का बारे में कोई कंसेप्शन बाहरी आदमी का नहीं है, जमुना का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम जमुना का साथ गंगा का कंपटीशन नहीं करने चाहते, ये कृष्ण भगवान का घर का मामला, इसका बारे में चर्चा नहीं उठाना चाहिए कि जमुना अलग है। लेकिन निम्नों का नाम यथा गंगा मतलब जितना गोदावरी कावेरी जितना सारे नदी है, कृष्णा जितना सब तो गंगा है, सारे प्योर है पवित्र। लेकिन ये जो अलकानंदा मंदाकिनी जो गंगा बहती हुई आ रही है, ये गंगा सबसे ऊपर है। निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा, देवों में परदेवता, देवताओं में परदेवता कौन है? परदेवता कृष्ण है, शंकर भगवान है, इंद्र भगवान है, यहां तक कि आप अगर कहो गुरुदेव भगवान, ये सिद्धांत इट इज नॉट रॉन्ग। अगर गुरुदेव भगवान बोलो संत भगवान, दैट इज नॉट रॉन्ग सिद्धांत, बट एप्लीकेशन शुड बी परफेक्ट। मेरा बात समझा नहीं? अभी मसला खुलेंगे। अगर कोई बोले गुरुदेव भगवान, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर वन महाभागवत वैष्णव, नॉट फॉर एवरीबॉडी। नॉट दैट मायावादी बोलेंगे गुरुदेव भगवान कीजिए, आई बात समझ में? तो ये रॉन्ग सिद्धांत तो नहीं है। अगर हम गुरुदेव को भगवान बोले, गुरुदेव मेरा भगवान का साथ एक है कि नहीं? साक्षात हरित्यन समस्त शास्त्री रुक्त तथा भगवत में सभी किंतु भूगर्ज प्रिय वत्य वंदे ग्रोसी विश्वास चक्र भगवान एंड गुरु नो डिफरेंस। बहुत सारे चर्चा सालों साल हजार हजार हरिकथा में चर्चा हो चुका है, यहां तक कि भगवान खुद बताया हम गुरु आचार्य माम बिजानिया, इसके बाद कौन सी डॉक्यूमेंट आप चाहते हो? जब भगवान ने खुद बोला आचार्य माम बिजानिया, हमको ही आचार्य जानना, उसका बाद उद्धव जी को खुद बताया, उसका बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब भगवान आचार्य का रूप धारण करके आता है, सदगुरु का बेस बना के, सदगुरु का बेस बना के, सदगुरु का बेस बना के भगवान बल्लभ जी महाराज
सदगुरु का रूप रख करके जगत में आता है। मतलब भगवान और भक्तों में कोई पार्थक्य नहीं है, कोई भेद नहीं है। इस विचार के अनुसार क्या, व्हाट इज दैट विचार, औचित्य भेद रक्तत्व। नॉट दैट माई गुरुदेव कैन स्टार्ट रासलीला, दोज आर फुलिश पीपल, दे हैव नो राइट टू हियर हरिकथा। बोका लोगों के लिए हरिकथा नहीं है। चतुर आदमी जो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में है, बहुत सेवा किया, उन लोगों के लिए पैसा का पीछे भाई लोग क्या समझेगा। तो अचिंत वेदाभेद तत्व का नॉट दैट, हमने बोला गुरुदेव भगवान ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा गुरुदेव रासलीला करना शुरू कर दे, ये नहीं। बहुत सारे विचार है, कठोर विचार है, बहुत सुंदर गंभीर विचार है, बाहर का आदमी समझेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, गुरुदेव भगवान संत भगवान ओनली एप्लीकेबल फॉर दोस महाभागवत, दोस वो 100% डेडिकेटेड अंड टू द लोटस फीट ऑफ भगवान, समर्पित आत्मा, जैसे उद्धव जी महाराज, जैसे भक्तविनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, सारे जो डेडिकेट 100%, उसका साथ भगवान का कोई कोई अलग सा विचार नहीं हो सकता। यहां तक कि भगवान ने बोला हमारा भक्तों का पूजा मेरे से भी बढ़कर है, कई सारे प्रमाण है, अभी समय नहीं है। अब इस बात का चर्चा करें, दैट द स्ट्रेंज कैरेक्टर ऑफ शंकर भगवान। सारे दुनिया पागल हो जाए शंकर भगवान का क्रिया करो। एक तरफ है परमहंस है, मैंने अभी बताया ना, किसने उठाया। अगर शंकर भगवान को मायावादी बोले अपना है तो प्रमाण नहीं कर सके। शंकर भगवान भक्तों का धन है। शंकर भगवान का बारे में साक्षात चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में लीला किया, चैतन्य महाप्रभु खुद बताया, गंगा का किनारे सब लड़की लोग है ना, ऐसा माफी छोटी छोटी लड़की से गंगा पूजा करने आई, तो लोगों का साथ मजा करते हुए चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, अरे किसका पूजा कर रही है, है? मेरा पूजा कर, है? जितना सारे नैवेद्य है, फल फूल है, लाके खाना शुरू कर दिया महाप्रभु। महाप्रभु खाना शुरू कर दिया ना, लड़की लोग सब लगा पूजा देने के तैयार में, और सब खाना शुरू कर, आए सब झूठन कर दिया, फूल फैलाया, हम शिकायत करेंगे। बोले किसका पूजा तू कर रहा है, मेरा पूजा कर, फिर उल्टा बात कर रहा है, घर में जाकर शिकायत करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सही बोल रहे हैं, ये लोग समझ भी नहीं आ रहा। चैतन्य महाप्रभु खुद बोला, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, प्रभु कहे आमा पूजो आमी दिबो वो। चैतन्य महाप्रभु खुला खुला बता दिया, अरे गंगा दुर्गा सब मेरा दासी है, दास दासी है, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, गंगा दुर्गा मेरा दासी है और महेश शंकर ये मेरा नौकर है, मेरा सेवक है। तो फिर भी समझाया नहीं, लड़की है बच्चा था, समझा नहीं, महाप्रभु जी ने बता दी। लेकिन अद्भुत विचार है, जब भी महाप्रभु जी ने बताया जय शंकर मेरा किंकर है, लेकिन खोद लीला में दिखाया, खोद लीला में चैतन्य महाप्रभु दिखाया जैसे कि महाप्रभु शंकर का किंकर है। क्या दरकार था, वाराणसी में 2 महीना रहा रोज, क्या कोई जरूरी था गंगा नहा के पानी लेके शंकर भगवान को दर्शन करने की, क्या जरूरी था। ये तो खुद ही भगवान है, परात्पर अखिलेश्वर है, तो फिर क्यों रोज काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके धन्यवाद करके पानी देखी, क्या कारण है। टू टीच अस भक्तो तत्व, महाभागवत तत्व को बारे में समझाने के लिए, अगर हमको चाहते हो तो भक्तों का पूजा करो। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवो दीजो,
कई सारे श्लोक है भागवत का, चर्चा करने का टाइम अभी नहीं है। अहम भक्तो पराधीन, हम भक्तों का पराधीन है। आई एम टोटली रेगुलेटेड बाय डिवोटीज, डिवोटीज गोइंग टू परचेस मी, डिवोटी भक्त लोग मेरे को खरीद लिया और मेरे को नचाता है। सिर्फ वृंदावन का अंदर में भी नहीं है, वृंदावन का ग्रंथ तो है ही है, ए लड्डू देंगे नाच, आप पहले दे दो माखन ना पहले नाच उसका बाद देंगे। इसके इसको लेके ब्रजवासी के अंदर बहुत सारे सुंदर गाना है, सुंदर ब्रजवासियों का, थोड़ा थोड़ा छाछ पर नृत्य कराया कृष्ण को, एक लड्डू पर नचाया, कैसा महान भगवान है। देखो आज भगवान का भक्त शंकर भगवान, इसका बारे में जितना भी चर्चा करे वो भी काफी नहीं है। तो निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम तिकीदम भागवतम, ऐसा खुल्ला खुल्ला बोल दिया भागवत जी महापुराण ने। नदियों में गंगा और देवता में पर देवता भगवान श्री कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, और वैष्णवानाम यथा शंभु वैष्णवों में वैष्णवों का विचार करो, तमाम वैष्णवों का विचार करो, वृंदावन का अंदर हाथ मत लगाओ, वृंदावन कोई वृंदावन का अंदर हाथ मत लगाओ तो घर का मामला है, बाकी वैष्णव दुनिया में वहां बताया गया, वहां लिखा हुआ है वैष्णवानाम यथा शंभु, ये एकदम स्टैंप लगा दिया, वैष्णव का वैष्णव राज शंभु है, शंकर भगवान का ऊपर कोई नहीं हो सकता, इतना बड़ा वैष्णव है वैष्णवानाम यथा शंभु। और पुराणों में भागवत जी महापुराण, तो इतना बड़ा छप्पा लगा दिया शंकर भगवान के बारे में, फिर भी मिसकंसेप्शन ग्रो करना ये स्वाभाविक है। क्यों? एज अ स्ट्रेंज कैरेक्टर ऑफ शंकर भगवान, शंकर भगवान का स्ट्रेंज कैरेक्टर, क्यों ऐसा कर रहा है? शंकर भगवान का जो स्ट्रेंज कैरेक्टर है, अद्भुत कैरेक्टर है, इसको लेके सालों साल चर्चा करे तो खत्म नहीं होने वाला, कि अद्भुत है। एक तरफ हमने बोला परमहंस है, ये तो लिखा हुआ है भागवत जी महापुराण, कभी गलती नहीं बोल सकता, शंकर भगवान परमहंस है। अब परमहंस का लक्षण क्या है? परमहंस लक्षण बहुत सारे लक्षण है, अभी एक लक्षण में हम बताएंगे, बहुत सारे परमहंस का लक्षण है, एक लक्षण में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए, एक लक्षण, बाकी लक्षण का चर्चा 11 स्कंद में है, बहुत लंबा टाइम लगे, एक चर्चा करेंगे। वहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए, ज्ञानोनिष्ठ विरक्तो वा मद्भक्तो वा अनपेक्षकः शालिंगानाम आश्रमं त्यक्त्वा चरेत् अविधिगोचरः, दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। जो लोग परमहंस है ना, अवधूत है ना, ये लोग कोई आपसे आपका जो नियम कानून है, आप जो ये कानून बनाया मठ मंदिर में समाज में संसार में बहुत ढेर सारे कानून बनाया, बट यू कैन नॉट कन्फाइन दोस परमहंस विद इन दिस लिमिट। परमहंस को कोई आप एक लिमिट के अंदर क्यों ऐसा किया, यहां जाते तो अच्छा होता, यू क्यों नहीं किया, ये बोल नहीं सकता, क्योंकि वह परमहंस है। इसका बारे में नित्यानंद प्रभु का तिथि में मैंने चर्चा किया, वो भी काफी नहीं था, ये अद्भुत अवधूत है, अवधूत सन्यासी, बहुत सारे कंट्रडिक्शन है अबाउट द कैरेक्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु। हमने एक एक करके जवाब दिया, सारे फॉरेन का लोग सुन रहा है, जितना भी तर्क वितर्क है सर समाप्त कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं है। एक आचार्य है, इन्होंने पिछले 50 साल से नित्यानंद प्रभु के बारे में उल्टा सीधा लिख के इतना बड़ा किताब, कोई जवाब नहीं दिया। गुरु वैष्णव ने आदेश किया, आज से
बारह चौदह साल पहले जवाब दिया मैं ठाकुर जी का, चेतना और जागरण ना कि समालोचना और जवाब। किताब का नाम क्या है, चेतना का जागरण या तो समालोचना का, आपने जो समालोचना किया है हमारा ठाकुर जी के बारे में इसका जवाब, जो भी आप समझ लो है ना। और जो इंटरनेशनल सोसाइटी को जवाब दिया, क्या नाम था उसका किताब का, क्या नाम था है, क्या नाम था, झगड़ा नहीं है, हमारे पास अभी भी है किताब उसका, ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, है? ये सल्यूशन है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फाइटिंग, इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। इंटरनेशनल सोसाइटी को जवाब दिया था, क्या किताब सुंदर है। इसमें पहले शब्दों में ही झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म ये लिखा हुआ है इसमें, ये सल्यूशन है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा का बात नहीं है। किताब का अद्भुत नाम है, एक पीस हमारा पैक में है, होनहार का खेल पहले से है। तो जो भी है, ये जो परमंश का बारे में कोई आम आदमी चर्चा करने जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, अपराध करेगा। जैसे कि काली हरिकथा चल रहा था ना वेबसाइट में, उसमें बोला गौर कृष्ण बाबाजी महाराज या वंशीदास बाबाजी महाराज का दर्शन के लिए कोई अगर प्रभुपाद जी इजाजत देने के जाते थे, प्रभुपाद कैन वी गो टू मीट विद गौर कृष्ण बाबाजी महाराज टू टेक दर्शन गौर कृष्ण, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। क्यों, वो जो क्रियाकर्म कर रहा है कुछ समझ में नहीं आया, अब उल्टा समझोगे। वंशीदास बाबाजी महाराज ये खाली हुक्का, खाली हुक्का में कुछ नहीं, तमाकू नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा डुक 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 खाली हुक्का है, कुछ नहीं है हुक्का में, कर रहा है, कभी गाली दे रहा है गौर कृष्ण बाबाजी महाराज, बोला आप जाना मां। ये दो एक एग्जाम्पल हमने दिया है, एक प्रति एक और दो एग्जाम्पल हमने दिया है। शंकर भगवान का बारे में तो अनगिनत एग्जाम्पल दे सकता है। एक तरफ शंकर भगवान परमंश है, एक तरफ शंकर भगवान इज अ टॉप मोस्ट परमंश, टॉप मोस्ट परमंश, इस मामूली परमंश नहीं है। और इतना ही नहीं है, शंकर भगवान इज द ओनली डेमिगॉड हु वाज अलाउड इनसाइड रासलीला, किसी बाप का हिम्मत नहीं हुई रासलीला के अंदर में प्रविष्ट हो गया, एक शंकर भगवान वॉज अलाउड। क्या कारण है, गोपीश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, उसी दिन गौर पूर्णिमा का समय जो चर्चा हुआ था, हमने बताया गोपेश्वर महादेव का डेफिनेशन बाहर का आदमी पंडित लोग करेगा है, गोपोश ईश्वरः इति गोपेश्वरः है, और गोपीनाम ईश्वरः गोपीश्वरः। मैं लेकिन मैंने किया व्याख्या ठाकुर जी का के पास से, गोपी प्लस ईश्वरः, गोपी प्लस ईश्वरः, हु इज गोपी हिमसेल्फ, गोपी का रूप धारण किया रासलीला में, उसके प्लस एट द सेम ही ईश्वर इज हैविंग इनॉर्मस पावर गिवन बाय डेलीगेटेड बाय भगवान, भगवान का द्वारा दिया गया जितना पावर शंकर भगवान का है, ब्रह्मा भी डरता है शंकर को, लेकिन हिसाब से देखोगे ब्रह्मा का बाद शंकर आया, लेकिन शंकर भगवान का तत्व तो ऐसा है कि ब्रह्मा जी भी डरता है, ब्रह्मा जी भी डरता है, इतना गंभीर तत्व है। शंकर भगवान का बारे में गहरा विचार जरूरी है, जब तक ये गहरा विचार आप नहीं करोगे तब तक उल्टा रास्ता में जाओगे। पहले ही हमने एक श्लोक बताया, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ये श्लोक सुनाया, ज्ञानोनिष्ठ विरक्तो वा मद्भक्तो वा अनपेक्षकः स्वलिंगानं आश्रमं त्यक्त्वा चरेत् अविधिविचारः। एक अवधूत कोई एक कोई जरूरी नहीं है कि वो डंडा लेके घूरे, एक अवधूत का लिए इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ही हैज टू वेयर रेड क्लोथ,
अवधूतकल ये कंपलसरी नहीं है कि लाल कपड़ा वर्दी पहने और डंडो लेके दिखाए आदमी को, इट्स नॉट नेसेसरी। किसी भी हालत में रहे, चाहे नंगा रहे, शंकर भगवान नंगा रहता है मशान में, मशान में नंगा रहता है ना, कोई कपड़ा नहीं है, कपड़ा खो गया, कीर्तन में है ना, जहारो आनंदे शंकर बसनो ना जाने, बांग्ला कोरे छो कीर्तन, जहारो आनंदे शंकर बसनो ना जाने, बसन मतलब कपड़ा नहीं है जिसका, जिसका आनंद लेकर शंकर नृत्य कर रहा है, कपड़ा खो गया और नंगा हो गया, कोई होश नहीं है। भागवत जी महापुराण ने सुंदर व्याख्या किया, जथा मदिरा मदांधो, पहले भी व्याख्या किया मैं, जथा मदिरा मदांधो, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया भागवत जी, मदिरा मदांधो मतलब जैसे दारू पी के कोई पियक्का, दारू कोई पियक्का दारू पी के ऐसा हो गया, उसका पैर नहीं चल रहा है, कपड़ा नहीं है, कोई होश नहीं, कुछ नहीं है, इस एग्जाम्पल दिया, देखो कितना सुंदर। मेटेरियल जगत में इट इज रियली डेरोगेटरी, इट इज इंसल्टिंग, कोई अगर किसी के बारे में बोले आप पियक्का हो, दारू पी तो चिढ़ जाएगा, लेकिन यह प्राकृत जगत में है, भगवत सुधा रस, भगवत प्रेम सुधा रस, अगर अप्राकृत जगत में अगर भगवत सुधा रस प्रेम सुधा रस पान कर लो, अब शंकर भगवान का माफी पागल हो गया और कपड़ा छूट गया, आपको होश नहीं है, बेहोश हो गया, क्या कर रहे हो, ये सबसे बड़ा ऑनरेबल पोजीशन, ये सबसे बड़ा ऑनरेबल पोजीशन अप्राकृत जगत में। वेरस जड़ जगत में कोई पियाका को घृणित घृणित माना जाता, पुलिस पकड़ के ले जाएगा, लेकिन अप्राकृत जगत में जो प्रेम सुधा रस जो जितना पान करो, भक्तिवीर ठाकुर जी ने बोला है ना, कुलो देवी जोग माया मोरे कृपा कोरी आवरण संग रिवे तुम्हें विश्वधरी सुने आगम वेदे महिमा तुम्हार श्री कृष्ण भूमिक दूरी कराओ संसार श्री कृष्ण सन्मुख को जा भाग्य कमे हवाए तारे मुक्ति दिया करो अशोक हवाए, कीर्तन में लिखा हुआ है ना। और दूसरा जगह लिया लिखा गया है पियाया प्रेम मत्त कोरी मोरे सुनो नियो गुनो गान, कितना सुंदर, देखो भगवान को बोल रहा है भक्तिमय ठाकुर अपील कर रहा भगवान को, भक्तिमय ठाकुर बोल रहा है पियाया प्रेम मत्त कोरी मोरे सुनो निजो गुनो गान, भगवान आप थोड़ा आपका प्रेम का सुधा मेरे को पान करा दो, पान कराने का बाद इट कैन बी ओवरफ्लोइंग, इतना पान करा दो कि मेरे लिए इट इज ओवरफ्लोइंग, हरि कथा का रूप में निकल आ पड़ेगी। पियाया प्रेम मत्त कोरी मोरे, भक्त में डग बोला हमको इतना प्रेम पिला दो, इतना प्रेम पिला दो कि मैं मताल हुई हूं, मताल होके आपका गुणगान हरि कथा बोलना शुरू कर दी, कितना सुंदर विचार, देखो सब इसका अंदर में है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता, सब माया में उलझे भी है, कितना सुंदर विचार बताया, देखो ये एक श्लोक का विचार करो पागल हो जाओगे, क्या लिखा है, पियाई अपने हमको पान करा दो प्रेम और हमको माताल बना दो, और उसका बाद खूब सुनो आपका खुद का गुणगान सुनो, पियाया प्रेम मत्त कोरी मोरे सुनो निजो गुणगान, कितना सुंदर गहरा विचार। तो शंकर भगवान ये परमंश श्रेष्ठ है, एट द सेम टाइम परमंश श्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन शंकर भगवान जो सब क्रियाकर्म क्रिया है बाहरी दृष्टि में, इट इज रियली डेंजरस। शंकर भगवान ने जो क्रियाकर्म किया है ये बड़ा डेंजरस है। देखो हम एक विचार बताएंगे महाप्रभु का, एक विचार है, बहुत सारे विचार, दो विचार बताऊं, एक है महाप्रभु जी का घर में नवद्वीप में जब कोई शंकर भगवान का भक्त हो, ध्यान दे इस बात पर कितना प्यार है शंकर भगवान के बारे में,
चैतन्य भागवत में है, कोई शंकर भगवान का भक्त आया और डुमरू बजाना शुरू कर दिए, आज चैतन्य महाप्रभु क्या किया, उसका साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको उठा के इधर कंधे में रख दिया। कंधे में, क्या बात है, ये तो वैष्णव नहीं है, ये तो वैष्णव तो है नहीं। देखो शंकर भगवान को कितना गहरा प्यार करता है। एक शिव का भक्त आया, ठीक है भिक्षा देना है तो देखे छोड़ दो, नृत्य करना शुरू कर दिया। इतना नृत्य किया है और डुमरू बजा के नृत्य करता है, शंकर भगवान का प्रेम इतना है भगवान शंकर भगवान के लिए, जो भक्तों को, जो शंकर भगवान का भक्त है उसको इधर चढ़ाया, चढ़ के नृत्य करना शुरू। इससे पता चलता है, इससे पता चलता। दूसरा तरफ विचार करें, हमारा जो विचार है बहुत लिमिटेड विचार कर रहा, क्योंकि ये इतना बड़ा है, 6 महीना तक ये विचार चलते रहे। मैं तो शर्मिंदा हूं, थोड़ी सी शब्दों में बोलना चाहता हूं। आश्चर्य की बात है, ये शंकर भाव, ये महाप्रभु जिन्होंने शंकर भगवान का भक्तों को कांधे में लेकर नृत्य कर, वही शंकर भगवान, वही चैतन्य महाप्रभु, वही एक ही भगवान है परात्पर अखिलेश्वर। उन्होंने बताया मायावादी देखिले, मायावादी दर्शन करने से अपना कपड़ा का साथ नहाना है। व्हाट यू कैन से, महाप्रभु जी ने बताया अगर तुम्हारा साथ मायावादी का दर्शन हो गया आमने सामने, तो आपको कपड़ा का साथ नहाना है गंगा में जाके। यहां जब हमारा हरिकथा हुआ करता था बहुत पहले, बहुत सागर महाराज के टाइम में, बहुत सागर, उस टाइम में मैं आते समय कोई मायावादी का दर्शन हो जाता था खड़े में, मैं नहा लेता था, मानस रूप से नहा के वैशासन में बैठता था। ये आपको पता नहीं, तुरुण कोई माला का दर्शन हुआ, संग संग आंख बुझा लिया, गुरु जी का चरण चिंता किया और मानस में जगन्नाथ पति पावन का पुरी में उसका चरण नहा लिया कपड़ा का साथ, नहीं तो हरिकथा होगी नहीं। तो एक तरफ महाप्रभु का विचार है शंकर के ऊपर इतना प्रेम है, दूसरा तरफ है महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर कोई मायावादी, मायावादी लोग तो शंकर भगवान को उपासक मान, लेकिन वो लोग जानता नहीं, सबसे प्यार करते हम लोग वैष्णव लोग, वैष्णव लोग शंकर को जितना गले लगाता है, जितना प्यार करता है, तू क्या करेगा, तू शंकर भगवान का क्या आइडिया है तेरा, जय शिव ओंकारा, ये तो इतना ही बोलता है, जय शिव ओंकार, यही तो बोलता है। और इन पर्सनल ब्रह्मों के बारे में बताना चाहता है, और क्या है तेरा कुछ आइडिया है शंकर भगवान के तत्वों के बारे में, तू जो बोलेगा प्यार करेगा, प्यार तो हम लोग करेंगे, शंकर भगवान को गले लगाएगा, उसको प्यार करे, उसका चरण छोड़ना चाहता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, क्यों, वो तो परमेश्वर है, बहुत सारे प्रमाण है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये विचार है, तो कंफ्यूजिंग है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर कॉमन पीपल। एट द सेम टाइम भगवान चैतन्य महाप्रभु गोइंग टू टीच अस दैट यू शुड ऑनर शंकर भगवान लाइक मी, हमारा भाभी हम जैसे सम्मान देता है तुमको ऐसा करना चाहिए। क्या दरकार था, 2 महीना तक लगातार जाके शंकर भगवान का दर्शन करके पानी देके है उसका आरती करने का क्या जरूरी था, क्या जरूरी था कि रामचंद्र ये रामेश्वरम में जाके शिव जी शंकर का प्रतिष्ठा की अर्चन करें, क्या कोई जरूरी था, क्या कोई जरूरी था, इज सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, ये तो स्वयं सुप्रीम लॉर्ड है, क्या जरूरी है, लेकिन जरूरी है, सिखाया भगवान ने। देखो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का टूर में कहां कहां नहीं गया, हर जगह शंकर भगवान का जहां जहां मूर्ति है हर जगह दक्षिण भारत में ट्रैवल किया, चैतन्य क्षेत्र में तो देखो हर जगह जहां शंकर भगवान का मूर्ति माने लिंग है सारे जगह देखो, खुल के देखो, यहां तक कि शंकर भगवान और पार्वती जी श्री शैलो में ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप में वहां आज भी विराजमान है,
सिर्फ आपको दिखेगा नहीं, आप जाने से दिखेगा नहीं कुछ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने अकेला, यहां तक कि सेवक कभी नहीं लिया, सेवक को बोला तू ठहर जा, तू इधर ठहर जा, मैं घूम के आ रहा हूं। चैतन्य चला गया श्री शैलम में। श्री शैलम में जब श्री शैलम में चैतन्य महाप्रभु पहुंची पहुंचा तो शंकर भगवान और पार्वती प्रकट होके चरण वंदन किए, पैर धुलाए, और इतना ही नहीं पार्वती मैया रसोई करके खिलाई, पार्वती मैया रसोई करके शंकर भगवान को भिक्षा दी है हमारा चैतन्य महाप्रभु को, और लगातार हरि कथा दो तीन दिन तक, इतना ही गला जोड़ के, ऐसा नहीं जैसे दोस्त करता है ना, ये दोस्त बैठा हुआ दोस्त को ऐसा लेके कहो बात, कमाल की बात है। अब ये शंकर भगवान ने इतना सारे हंगामा मचाया, जो इस बारे में सुनो तो हैरान हो जाओगे, मायावाद कौन प्रचार किया, शंकर भगवान, हरे राम हाय राम, ये शंकर भगवान ने मायावाद प्रचार किया, लेकिन अपना मनमानी नहीं किया, शंकर भगवान अपना मनमानी प्रचार नहीं किया, पार्वती मैया को शंकर भगवान कह रहे मयैवो विहितम, हमारा द्वारा विहित किया, मयैवो विहितम मायावादम, मयैवो विहितम मायावादम ब्राह्मण मूर्तिना, मैं ही ब्राह्मण रूप धारण करके कलिकाल में मायावाद का प्रचार किया। शंकराचार्य पद्म पुराण में कई सारे प्रमाण है, जो भगवान श्री कृष्ण शंकर को बोल रहा है आपको जाना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा, जाके मायावाद प्रचार करो, अरे असुर, ये असुर लोगों को घुमा दो, ये लोगों को भक्ति नहीं देना चाहता हूं, कि भक्ति इज द टॉप मोस्ट ट्रेजर, भक्ति को टॉप मोस्ट ट्रेजर संपत्ति माना जाता है, हम लोग मुकान बारी संपत्ति मानता, बैंक की अमानती रुपया पैसा लाइसेंस, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, चैतन्य महाप्रभु बताया प्रेम धन बिना बैठो दरिद्र, बांग्ला समझते हो, प्रेम धन बिना बैठो दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मरे देहो प्रेम धन, चैतन्य महाप्रभु खुद बताया प्रेम धन के अलावा, प्रेम धन के बिना मेरा दरिद्र जीवन, मैं भिखारी हूं, चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे चैतन्य चैतन्य तो मैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन के बिना मेरा जिंदगी बेकार है, मैं दरिद्र भिखारी हूं, स्ट्रीट बेगर, आई एम जस्ट लाइक ए स्ट्रीट बेगर, और आप कृपा करके ठाकुर जी प्रेम संपत्ति देकर मेरे को धनी बनाओ, मैं आपका नौकरी करना चाहता हूं, कोई तनख्वाह पैसा पैसा नहीं चाहिए, प्रेम धन चाहिए, जितना सेवा करे उतना प्रेम दो, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी देहो मरे वेतन प्रेम धन, हमको सैलानी चाहिए, कैसा सैलानी, पहले प्रेम धन, ते चैतन्य महाप्रभु बताया, इच्छा करके भगवान श्री कृष्ण, शंकर भगवान जैसा दोस्त भगवान का नहीं है, यहां तक कि ब्रह्मा भी नहीं है, ब्रह्मा कभी शंकर भगवान भगवान का साथ दोस्ती नहीं कर सकता, शंकर भगवान ने शंकर भगवान का साथ भगवान श्री कृष्ण के इतना दोस्ती है कि हमारा ब्रह्मा सोचने जाए तो घबरा जाएगा, क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, शंकर भगवान खूब बताए, शंकर भगवान खूब बताए, भागवत खोलो, तुम्हारा तो अंधा है आंखें देख नहीं सकता, तुम अंधे हो ना, तुम लोग देख नहीं सकते, खुलो, ब्रह्मा जी का स्तब है, जब ब्रह्मा ने गो बछड़ा चुड़ाया था उसका बाद स्तब किया, उसमें लिखा हुआ है, और तीसरा स्कंद में ब्रह्मा जी का जो स्तब है, जो नाभि नेवल स्टेम पद उठा, उसका बाद जो रियलाइजेशन हुए, उसका बाद बोले प्रिया प्रिय, वो एक दोस्त जैसे दोस्त का क्षमा करता है, उस लिखा हुआ है प्रिया प्रिय वो, और एक नौकर आपका आपका बच्चा हूं मैं,
ब्रह्मा जी ने बताया एक बच्चा हूं मैं आपका, हम तो आपका लड़का है बच्चा है। इस विषय में चैतन्य जो सुंदर लिखा हुआ, हम तो आपका बच्चा है, आपसे जन्म लिया तो आप दोष कैसे पकड़ोगे, क्षमा कर दो। तो शंकर भगवान का साथ भगवान श्री कृष्ण का दोस्ती है, इतना जिगड़ी दोस्त है। आप देखोगे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, जो आपका बड़ा सीक्रेट मैटर्स है, आपका एकदम अपना आदमी छोड़ के किसी को नहीं बता सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल मैटर्स एकदम कन्वीनियंट, बाहरी आदमी को बिल्कुल बोला नहीं जाए, लेकिन वो किसको बोला जाए जो एकदम अपना आदमी है, अपना आदमी है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का इतना प्यार है शंकर भगवान के ऊपर, तो उन्होंने बताया दोस्त आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप छोड़ के एक काम होने वाला नहीं। क्या काम है भाई? आपको जाना पड़ेगा और मायावाद विचार को फैलाओ, लिखो ऐसा मायावाद लिखो कि आदमी घबरा जाए। एक मायावाद का विचार का एक दो पन्ना पढ़े तो उसी में उलझ जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ये किसी का हिम्मत नहीं होगी। एक शंकर भगवान, शंकर भगवान ने शंकराचार्यों का रूप में आए, ये भी कहना जरूरी है, ये भी कहना जरूरी है कि नॉट दैट फ्रॉम शंकराचार्य ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू गेट द कंसेप्शन ऑफ मायावाद, नॉट दैट। कोई अगर ऐसा सोचे कि महाराज, कोई अगर ऐसा सोचे कि महाराज शंकराचार्य से लेकर आगे तक मायावाद फैल गया, कोई अगर ऐसा सोचे, टोटली रॉन्ग कंसेप्शन। मायावाद वॉज देयर ऑल अलोंग मी, मायावाद आज नहीं, मायावाद पहले से ही है। रावण मायावादी थे, कंस मायावादी थे, सब मायावादी, कुंभकर्ण मायावादी है, सब मायावादी, हिरण्य सारे मायावादी, सब मायावादी, सारे मायावादी, मायावादी आज नहीं है, सत्ययुग में भी मायावादी थे। आज शंकर जी जो आगे मायावाद का पूछा किया, नॉट दैट फ्रॉम शंकर जी जो ऑनवर्ड वी आर गेटिंग मायावाद, नॉट दैट, ये विचार गलती है। मायावाद सदियों पुराना पहले से ही है, क्योंकि इट हैज टू बी देयर, इट हैज टू बी देयर, क्योंकि मायावाद नहीं लेने से ये असुर लोग, प्रभुपाद ने बहुत बार अफसोस किया, अंग्रेजी कथा में भी पिछले वन महीना दो महीना में हम चर्चा किया, प्रभुपाद जी ने बड़ा अफसोस किया, जब से मायावादी लोग, याद करना हरिकथा का सुना है तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जब से मायावादी लोग वैष्णव का रूप में वैष्णव संप्रदाय में घुस गया, तब से तमाम उल्टा सीधा शुरू हो गया। कितना गहरा विचार है, हम महीना भर इस विषय के ऊपर चर्चा करें तो पागल हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा हमने क्या बोला है। तो एक लाइन है, हम एक एक करके ऑपरेशन करके बताना शुरू कर दे, हाँ राम ठीक बताया हमारा, महीना भर इस एक शब्द का ऊपर कितना गहरा विचार हो पाता है। देखने में कुछ नहीं है, जब से मायावादी लोग तिलक माला वैष्णव वेश लेकर वैष्णव संप्रदाय में घुस गया, तब से हंगामा मच गया, शुद्ध भक्ति का सत्यानाश हो गया। नाउ सी द कंडीशन ऑफ ऑल मॉट्स, नाउ यू कैन सी द कंडीशन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल। कई मठ में जाओ, जाके देखो क्या हो रहा है, जाको, मैं तो शर्मिंदा हूं कि हमारा एक तरफ मेरा अहो सौभाग्य है जे माई ग्रैंडफादर ग्रैंड गुरुदेव इस प्रभुपाद, अहो भाग्य इतना बड़ा लाख है मेरा, जो बोलने का हमारा हक है कि माई परम गुरुदेव इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती, कितना सौभाग्य है। एट द सेम टाइम मैं शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा इसलिए कि क्या फैल रहा है चारों, क्या हो रहा है, ये क्या भक्ति है, ये क्या भक्ति है,
अगर हमारा बदले में भक्तिविनोद ठाकुर यहां रहता हरिद्वार मठ में, तो मैं क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। भक्तिविनोद ठाकुर मायावाद का जड़ से उखाड़ के फेंक देते। अगर पोपा होता था ये भी जड़ से उखाड़ के फेंक देते। मैं उसका नौकर हूं, बच्चा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई मायावादी समझे, तर्क करे, तो तर्क 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 के द्वारा तर्क होता है, तर्क के द्वारा तर्क आ जाएगा, लेकिन आपका तर्कों का जो समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि यू कैन नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर टू माय क्वेश्चन। आपका कोई भी क्वेश्चन का मैं सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकूं, बट यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। गलत समस्या कहां है? देखो समस्या कहां है, समस्या का जड़ इसी में है कि वो लोग मेरे को क्वेश्चन करे, आई कैन गिव सेटिस्फैक्टरी आंसर, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। समझा? लेकिन वो लोग मेरे को क्वेश्चन करे, मैं उत्तर दू, वो लोग ग्रहण करेगा नहीं। और मैं उन लोगों को समझाऊं कि आप किस मार्ग में चल रहा है, वो मानेगा नहीं। जब ये अंतर में सोचे कि महाराज ठीक बोल रहा है, क्योंकि आज हरिद्वार में ऐसा बड़ा हरिद्वार, पूरा हरिद्वार में, कंखल में, जहां भी हो, मैं तो खुला ऐलान करने के लिए तैयार हूं, ये ऋषिकेश में या ये पूरा हरिद्वार क्षेत्रों में ऐसा बड़ा मायावादी आचार्य जो नहीं है, जो प्रकाशानंद सरस्वती का बराबरी करे। बात को ध्यान दे, मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रकाशानंद सरस्वती का बराबरी करे, उसका बाल का भी बराबरी कर नहीं सकता, इतना बड़ा पावरफुल था। 10,000 मायावादी का गुरु चैतन्य महाप्रभु का साथ पंगा लेने के लिए खड़ा हो गया था, और जिसको चूर चूर कर दिया महाप्रभु जी ने, जिसको चूर चूर कर दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो इसको वैष्णव बना दिया। हरि बोल के नित्य करना शुरू कर दिया है ऋषिकेश कंखल में, ये मेरा हरिकथा को प्रचार कर, चाहे कोई आए मेरा साथ लड़ाई करने, ऐसा कोई है इतना बड़ा आचार्य जो काशी वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती का मापिक इतना बड़ा आचार्य है? मायावादी आचार्य, माया आचार्य बोलना भी मेरा शर्म की बात है, बोलना नहीं, लेकिन क्या करे, बोलना जरूरी है। कोई दिखाओ, एक दिखाओ, उसका बाल का बराबर, उसका बराबर छोड़ दो, प्रकाशानंद सरस्वती का एक बाल का बराबर अगर है पूरा कंकल में हरिद्वार में, उसको लाओ दिखाओ मेरे को। और सार्वभौम भट्टाचार्य, जिसका नाम सुना है सार्वभौम भट्टाचार्य, इसका बराबरी सारा वर्ल्ड में है। हरिद्वार का दुखी बात, सारा वर्ल्ड में जिसका बराबरी करने का हिम्मत किसी का नहीं था, इसका नाम है सार्वभौम भट्टाचार्य। ही वॉज द टॉप मोस्ट मायावादी फिलोसोफर। पंडित नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पंडित बोलने से मेरा सिद्धांत तो गलती हो जाए। पंडितो बंद मोक्षवी, सब आगे पीछे चिंता करके एक शब्द बोलना है मेरे को। संत कृष्ण भगवान को उद्धव जी पूछा, कृष्ण भगवान को उद्धव जी पूछा भगवान पंडित कौन है ये बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोला पंडितो बंध मोक्षविद, जिसको जानकारी है, आइडिया है, ही हु इज वेल अवेयर अबाउट दिस टॉपिक्स बोथ, हाउ आई कैन पुट myself into बॉन्डेज, हाउ आई कैन मेक मी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, जो मुक्त कैसे, मुक्त क्या है, अबद्ध क्या अवस्था है, जो बोल सके, जो जान सके, वो पंडित है। समझा मेरा बात? तो पंडित नहीं बोल सकते। ये सर्वम भट्टाचार्य का बराबरी पृथ्वी में कोई पंडित नहीं था। महाप्रभु जी ने बताया यू आर साक्षात बृहस्पति, आप साक्षात बृहस्पति हो, बृहस्पति गुरु साक्षात इस रूप में आए। इसको भी महाप्रभु चूर चूर कर दिया कि नहीं?
और ये शंकराचार्य जो आके मायावाद को फैलाए। मैं तो एक उदाहरण दिया, कितना दुख की बात है जो शंकराचार्य जो हमारा वैष्णव है परमहंस भगवान का आदेश के द्वारा प्रेरित होकर आए और मायावाद को फैलाया, मायावाद का और असुर लोगों को चला दिया। का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल कितना सारे एग्जाम्पल है। अगर भगवान शंकर वैष्णवानंद यथासंभु है तो वाई भगवान वाई शंकर भगवान किसलिए कृष्ण भगवान का सब इतना बार लड़ाई करने के लिए टूट पड़े, समझा मेरे बात। अगर शंकर भगवान वैष्णवानंद यथासंभु है, अगर आपने बताया वैष्णवानंद यथासंभु ठीक है, अगर वैष्णव राज है तो इन्होंने किसलिए भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण का साथ लड़ाई करके करने के लिए टूट पड़े। कई घटना मैं एक एक करके बताऊं, आज टाइम नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं हरि कथा का टाइम नहीं है, खाने पीने का टाइम है, मजा मस्ती करने का टाइम है, लेकिन वी हैव नो टाइम टू हियर हरि कथा, दैट इज कॉल्ड माया, प्रोपोजल इट इज कॉल्ड माया। हमारा हरि कथा का टाइम सुनने का टाइम, बट दैट इज कॉल्ड माया, हमारा व्यस्त होता है कहां तक जाए। काल इस बात में चर्चा करने का इच्छा, क्या करे, कोई मायावादी विचार को भी खंडन इस बारे में वेदांतों में दो चार तत्वों का चर्चा करना है। और एक गंभीर श्लोक है, एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थ ओपि तद्गुणेर न जुज्यते सदा आत्मस्थम यथा बुद्धि तदा श्रेयः। ये श्लोक का चर्चा करना जरूरी है। भगवान जब इस जगत में अवतीर्ण होते, देखने में बच्चा जैसा, वो रोते हैं, भूख लग गया बोल रहा है, मारपीट करता है बच्चा का साथ भगवान, ये अजब सी कहानी है, भगवान ही तो कर रहा है ना। इस श्लोक में समाधान है, जब भगवान ये प्रकृति में आता है जगत में, देखने में प्रकृति का सा एडजस्टमेंट में चल रहा है, लेकिन प्रकृति का कोई गुण भगवान और भगवान का भक्तों को स्पर्श नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। इस विषय में कल चर्चा, अभी घंटा दो घंटा इच्छा बताने का इच्छा है, कम से कम दो घंटा मेरा आएगा, दो घंटा के नीचे तो है ही नहीं, अब क्या करें, अभी बंद करना पड़ेगा यहां। तो अथा पिते पदाम्बुज दयो प्रसाद लेस अनुग्रहित एव ही जनाति तत्तम भगवन महिन्नो नौच एक नौच अन्यम एकोपि चिरं विचिन्वना वांछ कल्पतरु के पास सिंधु व्यवस्था पतितानं पावन भविष्य भ्यो नमः।